मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। टाइम हो गए हैं 9, करते करते फिर 9 बजी गए हैं, तो चलते हैं फटाफट, भूया करते हैं और भागते हैं बस पकड़ने। हमारी पायल की बस आ जाएगी, चलते हैं फटाफट बस। अब पूजा कर लेते हैं, पूजा करके थोड़ा सा नाश्ता कुछ करके भागते हैं, क्योंकि बस पायल की बस है तो वो जल्दी निकल जाती है। 9:30 को एग्जिट वो छोड़ देती है यहाँ से। बाकी मनीष की बस 9:35 तक चौक में आती है, तो जहाँ से मिलेगी बस वहाँ से पकड़ के निकल जाएंगे। चलो पूजा कर लेते हैं दोस्तों। जय भगवान जी। तो पूजा हो गई कंप्लीट एंड फ्राइड बादाम अंजीर। एक ही पराठा में सब्जी सीम डाल दो रोल कर। वो रोल करके खाते हैं भाई और निकलते हैं। 9:05 हो गए हैं, नाश्ता करके बस तुरंत चलते हैं, भी रास्ते में मिलेंगे आप लोग से। लोन की ओर जा रहे हैं दोस्तों, और गाड़ी यहीं से पकड़ेंगे, नहीं जाएंगे जयपुर मोड़, यहीं रुकवाएंगे आज गाड़ी, क्योंकि 9:28 हो गए हैं एंड हाँ यहीं पकड़वा लेंगे आज गाड़ी, आज जाएंगे नहीं। और फिर पहुंचते हैं स्कूल, देखते हैं किसके साथ जाएंगे लिफ्ट लेके। अगर 10:10 तक पहुंचता है तो फिर तो साहू सर मिल जाएंगे, नहीं अदरवाइज जो जाते रहेगा उससे लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एकमात्र गाड़ी है पायल और मनीष जो चपका मोड़ में रुकते, बाकी कोई रुकते नहीं है गाड़ी वाले। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा भी बनेगा। फिलहाल वृंदावन लॉन पहुंच गए हैं। ये वृंदावन लॉन NS30 वृंदावन लॉन के पास हम खड़े हैं रोड से किनारे। मैं रोड से किनारे ही खड़े रहता हूँ दोस्तों, बट समय सही नहीं चल रहा है तो पीछे से लागे कोई भी मार दे रहा है गाड़ी वाले। बट अभी काफ़ी अंदर खड़े हैं, देखिए एक और जो है यात्री वो वेट कर रहे हैं गाड़ी का। तो आज हम गाड़ी यहीं से पकड़ेंगे घर के पास से। कोहरा है काफ़ी, धूप में ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है। लगभग 9:30 हो ही गए हैं, बस आती होगी पायल की बस। कल मनीष कही थी तो आज पायल की, तो पायल की बस आती है और फिर बैठ के हम निकलते हैं। वो बस आ गई है दोस्तों, मस्त। अब निकलेंगे हम स्कूल चपका करमपुर। हम मोड़ पहुंच गए हैं दोस्तों और साहू सर निकल गए हैं, तो देखते हैं किसी के साथ लिफ्ट लेके चले जाएंगे। हमने फ़ोन किया, साहू सर जस्ट चपका एंटर होके थोड़ा सा आगे पहुंच गए थे, तो देखते हैं कोई मिलता है तो उनके साथ चले जाते हैं। फिलहाल वेट करते हैं लिफ्ट। कोई है नहीं, सब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टाइम है, प्रिंसिपल सर रेडी होती है, तो हम बैठे हैं। अभी लंच टाइम होना चाहिए, क्लास का समय होगा तो पढ़ जाएंगे। फिलहाल लंच में यहीं बैठे हैं, ये भी फोटोग्राफ्स हमारे स्कूल के। ऊपर आ गए हैं और क्लासरूम चलते हैं, जो भी क्लासेस लेनी है। बच्चे आ गए हैं, क्लासेस क्या पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट वगैरह जमा करना है, तो चलते हैं बच्चों के सब एग्ज़ाम से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आज जमा करवा लेते हैं, क्योंकि सर लोग नीचे आ गए, वाइस प्रिंसिपल सर। तो अब हम ऊपर आ गए अपने क्लास में, तो चलते हैं क्लास। स्टॉक आ गए, छुट्टी का समय हो ही गया था, लेकिन सर एक डी ऑफिस में लेटर भेजने के लिए दिए, तो लगभग तो ही 3:30 हो गया। बस आएगी मनीष की या रॉयल की, तो उसमें हम निकल जाते हैं जगदलपुर। एंड कागज़ के लिए हम प्रिया को कॉल किए थे डी ऑफिस में जाने के, तो प्रिया गई है खनमपुरा, तो सन्नी को बुलाए हैं, सन्नी आ जाएगा। सन्नी प्रिया का छोटा भाई, सन्नी तो सन्नी आ जाएगा, सन्नी को बुलाए कि वो आके फिर हम छोड़ देगा डी ऑफिस, वहाँ से हम चले जाएंगे उसी के साथ किसी तरह की ट्रेन। फिलहाल बस इंतजार करते हैं। टाइम
टाइम हो गया यार, बस आ ही नहीं रही है। 3:40 3:45 होने वाले हैं और 3:30 से हम खड़े हैं, 15 मिनट लगे। हो सकता है जाम वगैरह कहीं होगा तो बस लेट हो रही है। तो सन्नी को फ़ोन कर दिया, थोड़ा सा लेट आना लाल बाग में लेने। अब एक बस जगदलपुर से रायपुर की और गई है महिंद्रा की, तो देखो अब कौन सी बस आती है। 4 तो बज ही रहे हैं, तो जो भी बस आएगी उस पर हम निकल जाएंगे। फिलहाल कोई बस आई नहीं है। फिजियोथेरेपी क्लिनिक आ गए हैं और चलते हैं अब क्लिनिक के अंदर एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दीदी के क्लिनिक के पास खड़े हैं बाहर, हम चलते हैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड रिसीविंग ले लिया है कागज का, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी। दीदी भी गई है, स्टेशन आएंगे तो फिर मोबिलाइजेशन करेंगे। फाइनली गाइस घर पहुंच गए हैं पूरी एक्सरसाइज करके। और आज मनीष की बस मिली 3:45 को, 4:20 को हम जगदलपुर पहुँचे, 4:15 को पहुँच गए थे। फिर वहाँ से छोटा सा नियम लेने आ गया, डीओ ऑफिस गए, वहाँ लेटर दिए, फिर वो फिजियोथेरेपी क्लिनिक छोड़ा। फिजियोथेरेपी क्लिनिक में पूरी फिजियोथेरेपी हुई 1.5 घंटे। फिर रुखसार दीदी हमें चांदनी चौक तक छोड़ दी, फिर चांदनी चौक से थोड़ा सा ही बस चलना पड़ा हमें 100 मीटर। फिर सन्नी आ रहा था, मेरा जो मित्र है भाई घर, तो सही समय में पहुँचा है भाई बोला, तो उसके साथ बैठा और घर आ गया। बस एंट्री किए थे और भाविन सर और नरेंद्र सर आ गए थे, तो काफ़ी देरी गपशप मारे 2 घंटे। सर लोग अभी जश गए, मैं मुँह हाथ हो गया, तो करते हैं डिनर, मोबाइल लगाते हैं चार्ज पे, फिर मिलते हैं आप लोग से। मुंडियाल की सब्जी, दाल तड़का और चने की सब्जी आ रही, गर्म हो रही है दोस्तों। और ये पुदीने की चटनी, तो पराठा सुबेरे का, अम्मी बोले सुबेरे का पराठा दे दो, मस्त अब खाना खाते हैं। तो ये आ गया चने आलू की सब्जी, मस्त नींबू डाल के, एंड ये चावल थोड़े से। तो अब करते हैं भोजन दोस्तों। डिनर हो गया है ख़त्म, अब हम करते हैं आराम। और डिनर में दाल तड़का, पराठा सुबह का बना हुआ, सुबह का पराठा एंड चने की सब्जी सूखी, मूंगे आलू की सब्जी और एक पापड़, ये खा लिए। एंड अब करेंगे आराम क्योंकि 9 बज गए। फिर वही सुबेरे उठो 7 बजे, रेडी होते करते 9:30, फिर भागो स्कूल, फिर स्कूल से वापसी फिजियोथेरेपी। अभी यही लाइफ ही हो गई यार, अभी कोई नयापन नहीं है लाइफ में, 3 महीने से यही चल रहा है। और ये हड्डी कुछ इस तरह पीछे की तरफ चले गई है, वो टूटी वाली हड्डी। तो अब ये दीदी इसका रेंज तो ला दूँगी, बोल रही है 90 डिग्री से हल्का सा, और 15 डिग्री बस तेरा हाथ उठना है बोल रही है, फिर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों का आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोले शंकर।